अरे मैं आई तो बिया तो ना के हो अरे मेरा तो पड़ता ही पड़ता बूढ़ा हुआ गो अरे वाडिया ने भी ऐसा ही मार दे अरे मेरा फरीदाबाद पुलिस सैकुल नाम के एक युवक को उठाकर ले जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिरकार सैकुल के साथ इतनी बड़ी घटना क्यों करी गई है? पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से सैकुल नाम के व्यक्ति को उठाया गया और उसके बाद घर वालों को सूचना मिलती है कि सैकुल की मृत्यु हो चुकी है। आखिरकार आज हम सैकुल के घर पर पहुंच चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, किस तरीके से सैकुल के साथ ये हादसा कराया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी महिलाएँ यहाँ पर गम मना रही हैं, किस तरीके से सैकुल के साथ ये दर्दनाक हादसा दर्दनाक घटना की गई है। अब हम उनकी फैमिली से उनके परिवार से कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार सैकुल के साथ ये घटना क्यों घटी गई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूप है। सैकुल क्या लग रहा है आपका? भट्टी जो लगे। तो जो सैकुल पुलिस ने उठाया है कहाँ से उठाया है, कब उठाया है? बड़ा रोड पे से उठाया है। किस टाइम उठाया था? कौन सी टाइम हाजिर? सुबह सुबह उठाया है। सुबह सुबह उठाया है। सैकुल काम क्या करता है? पुलिस की तैयारी में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं लग जाऊंगा। पढ़ाई कर रहा था? पढ़ाई कर रहा हूं। मैं और कोई काम ना करूं, पढ़ाई कर। तो किस कसूर के बिना उसको उठाया गया, क्या मानते हैं आप? कोई कसूर ही ना वहाँ पे, कोई पीएस ना बाजी ना कुछ भी ना, पीएस कोई उई ना वहाँ पे वर्दी यदि सैकुल के नाम पे कोई मुकदमा कोई पुराना कोई केस चल रहा हो कुछ भी ना कमरो रोम है गोवा को हूँ अलवर में रोम है कोई ना। शादी कब हुई थी सैकुल की? कौन सारी 29 जी क्या कहना आपका, जिस तरीके से सैकुल की मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ दर्दनाक घटना हो चुकी है, उसकी मौत कर दी गई है, तो क्या मानना क्या कहना है आपका सरकार से? हमने सरकार से एक मौत करनी चाहिए, हमने नोट जोड़ के करेंगे कहा उनको। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये गम का माहौल छाया हुआ है और सभी के दिलों में बड़ा गम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लेडीज चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सैकुल के साथ जो भी घटना हुई है बड़ी दर्दनाक घटना है, एक अत्याचार किया गया है इनके ऊपर, एक जुल्म किया गया है। गरीब परिवार है और जो सैकुल बताया जा रहा है वो एक पढ़ाई कर रहा था, वो जिस तरीके से इनके दिलों में दर्द देखने को मिल रहा है, काफी हद तक इनके साथ ये जुल्म हुआ है। तो अब हम कुछ नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार सैकुल के बारे में क्या कुछ कहेंगे। जी क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर जी क्या लगता है आपका सैकुल? चाचा का लड़का, भाई है। भाई लग रहा है आपका। तो क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से सैकुल के साथ ये बड़ी घटना हुई है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो क्या करता है, क्या कारोबार है, क्या काम है सैकुल का? स्कूल कॉलेज अलवर पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है तो ना तो उसके भाई जा कारण से पकड़ो न वारंट दे मान लो कहीं वारंट से पकड़ो हमारे भाई कई कारण है वो कारण है तो बता वो मुजली में दे मान लो भाई कई कारण से हमारे भाई उठो कई कारण से मारो हमारे ना तो पैसे चाहिए ना हमन कुछ चाहिए मान लो बस इतने बता दे हमारे भाई कैसे उठो कैसे मारो। इस पे कोई मुकदमा हो या पुराना कोई केस चल रहा हो जिसके बारे में? इंश्योरेंस तक कुछ नहीं है उस पर। तो क्या कुछ कहोगे आप सरकार से, जिस तरीके से आपके साथ ये जुल्म किया गया है, युवक की मौत हो चुकी है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे ये बताइएगा? हम तो यही कहेंगे बस इंसाफ मिल जाए। हाँ। देखिए यहाँ पे मासूम बच्चे और सभी यहाँ पे लेडीज परेशानी का सामना उठा रही हैं और काफी गम का माहौल यहाँ पे छाया हुआ है। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे लेडीजें हैं और यहाँ पे इनके दिलों के अंदर कितना दर्द देखने को मिल रहा है। आखिरकार सैकुल इनका लड़का है, इनका जिगर का टुकड़ा है, किस तरीके से पुलिस ने उसकी दर्दनाक मौत की है और यहाँ से घर से उसको उठाया जाता है और उसके नाम पर फिर उसको बहाने लगाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन उसके अटैक के बहाने लगाकर उसकी अपने आप को बचाव के लिए ये पेश कर रही है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से पुलिस ने इसके साथ घटना की है, क्या राइट बनता है और किस कानून में है ये कि पुलिस प्रशासन ये और ये जुल्म ढा रही है, किस तरीके से ये हो सकता है? आप लोग देखिए किस तरीके से सैकुल की मौत की गई है। हम इन लेडीजों से कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ये उनका क्या कहना है। जी